हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता। और दोस्तों प्लीज अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। प्लीज घर में रहिए, और अगर बाहर जाना भी पड़े तो अपना मास्क लगाइए। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है हम सबके लिए। आज मैं मूवी लेके आई हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट, जो 2017 में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो मूवी शुरू होती है तब हम एक छोटे से शहर में एडवर्ड और अल्फांस को देखते हैं, जो खुद से ही अल्केमी सीख रहे थे। अल्केमी एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल के एक नया स्ट्रक्चर और एक नए चीज में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यानी अगर कोई इस टेक्निक में काफी माहिर हो तो एक साधारण धातु को वो सोने में भी बदल सकता है। ये काफी एंशियंट टेक्निक है और काफी सारे देशों में पहले इसकी प्रैक्टिस की जाती थी। अब ये दोनों भी खुद से अल्केमी सीख रहे थे और कुछ सामान को बदल के ये लोग खिलौने बनाते हैं और अपने माँ को दिखाने जाते हैं। वो काफी खुश होती है और इन्हें खेलने के लिए भेजती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी हालत खराब होती है और वहीं पे वो अपना आखिरी दम तोड़ती है। अब इनके पिता न होने के कारण ये बच्चे अनाथ हो जाते हैं और अपने माँ को काफी मिस करने लगते हैं। इन दोनों को भी पता था कि अल्केमी से कोई भी चीज को बदल सकते हैं, इसीलिए एडवर्ड यानी जो बड़ा भाई रहता है वो छोटे भाई को कहता है कि क्यों ना हम अल्केमी से अपने माँ को वापस लाएं। तो अल्फांस मना कर, क्योंकि ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन यानी अल्केमी का प्रयोग करके किसी भी इंसान का रूप बदलना या फिर उसे वापस लाना ये चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। कानून में इसे बहुत बड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि किसी इंसान को बदलना ये अल्केमी के डार्क और सिनिस्टर साइड में आता था। लेकिन अल्केमी का सबसे पहला रूल होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, यानी अगर इस प्रोसेस में गलत हुए उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि इंसानों का जीवन या फिर उनकी आत्मा का कोई मोल नहीं होता। एक बार अगर वो चीज इस दुनिया से चली गई तो उसे वापस नहीं लौटा सकते। लेकिन एडवर्ड अल्फांस को मना लेता है और दोनों भी भाई पुरानी किताब ढूंढने लगते हैं, और इंसानों का शरीर जिन भी मिनरल्स से बना हुआ है ये सारी चीजें वो इकट्ठा करते हैं। सबसे आखिरी में उन्हें एक आत्मा की जरूरत थी, इसलिए दोनों भी अपना खून देते हैं। एक सर्कल के बीच में ये सारा सामान था। अल्केमी की प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं और देखते ही देखते बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इनका घर टूटने लगता है और अचानक से इसका छोटा भाई अल्फांस इस तूफान में खींचा चला जाता है। एडवर्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फांस नहीं बच पाता। एड ने अपने भाई को खो दिया था और अल्फांस एक दूसरी दुनिया में चला गया था। ये दुनिया थी सच्चाई की, इसे गेट ऑफ ट्रूथ कहते थे, और यहाँ पे यूनिवर्स के क्रिएटर यानी ब्रह्मांड के देवता थे। एडवर्ड वहाँ पे जाता है तो जो देवता थे वो उसे गेट ऑफ ट्रुथ के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पे उसे एक काला साया अंदर खींच लेता है। यहाँ पे वो अपनी माँ की झलक देखता है और तभी उसे पता चलता है कि उसने अपने माँ को बनाने में क्या गलती की थी। वो उस देवता से कहता है मुझे एक और बार अपने माँ को देखना है ताकि वो उस प्रोसेस में कामयाब हो। लेकिन वो देवता उसे बाहर खींच लेता है और कहता है तुम्हारे पास उतनी कीमत नहीं है कि तुम वापस उस गेट के अंदर जाओ। इसकी एक झलक के बदले में वो देवता एडवर्ड के भाई अल्फांस को अपने पास रखता है और उसे मिन्नतें करने लगता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, वापस लौटा दो। तो वो देवता एडवर्ड का एक पैर और एक हाथ के बदले में उसके भाई की आत्मा उसे वापस लौटाता है। और यही था लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, यानी यहाँ पे कोई भी चीज वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। अल्फांस की सिर्फ आत्मा ही इस दुनिया में भेज देता है और इसके बदले में एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो बैठता है। अब भाई की आत्मा तो इस दुनिया में थी, लेकिन उसके पास शरीर नहीं था, इसलिए एडवर्ड अल्फांस की आत्मा एक आर्मर में सील कर देता है। दोनों भी भाइयों का बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन अल्फांस कोई भी चीजें फील नहीं कर पाता था। तो एडवर्ड का बस एक ही ध्येय था कि उसके भाई का शरीर वापस लाना है। उसे पता था स्टेट लेवल पे अल्केमी के काफी सारे पुराने किताबें हैं, इसीलिए वो स्टेट लेवल का अल्केमिस्ट बनता है ताकि इन किताबों से वो कोई रास्ता निकाले। और तभी उसे पता चलता है कि अगर उसे अनंत काल मणि यानी पारस पत्थर मिले तो वो अपने भाई को वापस ला सकता है। पारस पत्थर के खोज में वो अपना जॉब छोड़ देता है और एक दिन उसे पता चलता है कि एक कल्टिस्ट फादर कॉर्नेल के पास ये पारस पत्थर है, इसलिए वो कॉर्नेल के पीछे पड़ता है कि वो पारस पत्थर उसे दे। लेकिन कॉर्नेल उसके रास्ते में काफी मुश्किलें खड़े कर देता है, जैसे कि वो पत्थर के डायनासोर बना के एडवर्ड और अल्फांस को मारने की कोशिश करता है। कॉर्नेल वो पूरा शहर बर्बाद कर देता है और एडवर्ड से भागते हुए वो एक चम्मच उठाता है जिसे चाकू में कन्वर्ट करके एक लड़की को वो बंदी बनाता है। एडवर्ड उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश करता है और पीछे बहुत बड़ा पत्थर का जायंट निकालता है जमीन से। अब इनकी ये लड़ाई चल ही रही थी तभी स्टेट लेवल मिलिट्री वहाँ पे आती है और इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है। तभी वहाँ पे हम कर्नल मस्टैंग को देखते हैं। वो एडवर्ड को बताते हैं कि पारस पत्थर जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है और जो फादर कर्नल के पास पारस पत्थर था वो एक झूठा था और वो उसे तोड़ देते हैं। असली पारस पत्थर कभी भी टूटता नहीं है। अब ये देख के एडवर्ड काफी निराश हो जाता है। कुछ समय के बाद फादर कर्नल को मिलिट्री छोड़ देती है और वो उन लोगों के पास आता है जिन्होंने उसे पारस पत्थर दिया था। इन लोगों को हमेनक्यूलस कहते हैं। ये आर्टिफिशियल ह्यूमंस थे, यानी कि इन्हें किसी पावरफुल
अल्कमी ने बनाया हुआ था। हेमेंकुलस काफी शक्तिशाली रहते हैं और इनके पास काफी पावर रहती है। सीरीज में टोटल 7 हेमेंकुलस है, लेकिन मूवी में हमें सिर्फ 3 ही दिखाए गए हैं, लस्ट, ग्रीड और ग्लूटनी, जो कि 7 में से 3 डेडली सीन्स हैं। इन्होंने फादर कॉर्नेल को वो पारस पत्थर दिया था, लेकिन आज कॉर्नेल को पता चला कि वो पत्थर नकली था, इसीलिए इनसे वो बहस कर रहा था। लेकिन लस्ट उसे मार देती है और आखिरी में ग्लूटनी उसका शरीर खाता है। तो यहाँ पे हम एडवर्ड को जनरल के ऑफिस में देखते हैं। तभी वहाँ पे वो अपने दोस्त मेजर ह्यू से मिलते हैं और उनके साथ साथ जनरल हाकुरो भी वहाँ पे आते हैं। ये किसी काम के सिलसिले में शहर में आए थे। जनरल हाकुरो ने एडवर्ड के बारे में काफी सारी चीजें सुनी थी और उन्हें जेन्युइनली उसकी मदद करनी थी, इसीलिए वो उस समय के जो स्टेट अल्केमिस्ट रहते हैं मिस्टर टकर, उनसे मिलने के लिए भेजता है ताकि वो एडवर्ड की कुछ मदद करे। इसी दरमियान एडवर्ड और अल्फांस की एक बचपन की दोस्त होती है विनरी, वो भी इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ वापस आती है। विनरी ने ही एडवर्ड को प्रोस्थेटिक लेग और आर्म लगाया था। अगले दिन जनरल ह्यू इन तीनों को भी टकर के घर लेके जाते हैं। मिस्टर टकर के घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, वो खुद, उनकी छोटी बेटी नीना और उनका एक डॉगी अलेक्जेंडर। उनकी पत्नी 2 साल पहले इस दुनिया से चल बसी थी। मिस्टर टकर बायो अल्केमी थे, यानी अल्केमी से वो 2 जानवरों को म्यूटेट करके एक जानवर बनाते थे जो इंसानों की तरह ही बात कर सके, लेकिन अपने काम में माहिर नहीं थे। उन्होंने म्यूटेटेड जानवर 2 साल पहले बनाया था और वो जानवर भी आई वॉन्ट टू डाई ये कह के मर गया था। तीनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं और इनकी काफी अच्छी दोस्ती होती है नीना और अलेक्जेंडर से। तो फिर एडवर्ड अपने काम का पॉइंट उनसे पूछता है कि अपने भाई को मैं कैसे वापस ला सकता हूँ। तो टकर उसे कहते हैं बायो अल्केमी में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम एक शरीर बना सको, लेकिन सिर्फ पारस पत्थर ही तुम्हारे भाई के शरीर को वापस ला सकता है। डॉक्टर टीम नाम के शख्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफी सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट में काम किया करते थे और उनके पास शायद पारस पत्थर है, लेकिन वो स्टेट मिलिट्री से छुप रहे हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना काफी डिफिकल्ट होगा। इसलिए तुम अल्फांस को इधर ही छोड़ दो, मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ, चेक करता हूँ कि कुछ मिलता है क्या, और मीनवाइल तुम डॉक्टर टिम को ढूंढने के लिए जाओ। एडवर्ड उनका सुझाव मानता है। वो उसे कहती है कि देखो, तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे या मेरे बॉस को पता नहीं है, जिस शहर में उन्हें लास्ट देखा गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे टकर जब अल्फांस को चेक कर रहा था तब वो उसे बताता है कि तुम्हारे दिमाग में जितनी भी मेमोरी है वो सारी फॉल्स है, झूठी यादें हैं, तुम कभी भी इंसान नहीं थे, तुम्हें याद भी है तुम्हारा कभी शरीर था। अब इन्हीं सारी बातों के कारण अल्फांस को खुद के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल आने लगते हैं कि क्या सच में वो कभी इंसान था। तो दूसरी जगह पे एडवर्ड और विनरी दोनों भी डॉक्टर टीम को ढूंढ निकालते हैं। वो स्टेट मिलिट्री से छुपते हुए यहाँ पे रह रहे थे, उसका कारण वो बताने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे लस्ट आ जाती है और वो डॉक्टर टीम को मार देती है। तभी मरते हुए वो एडवर्ड को बताते हैं कि गवर्नमेंट के लैब नंबर 5 में तुम्हें सारी सच्चाई मिलेगी और वही भी तुम्हें पारस पत्थर भी मिलेगा, और वो अपना दम तोड़ देते हैं। उन्होंने एडवर्ड को कुछ नोट्स दिए थे, वो लेके वो वापस टकर के घर आता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि टकर के घर में ना तो नीना का आवाज आ रहा था ना तो अलेक्जेंडर का। एक रूम में उसे टकर मिलता है जो कि काफी खुश था, और वो एडवर्ड को देख के उसे उसने बनाया हुआ नया म्यूटेटेड जानवर दिखाता है। उसने 2 जानवरों को मिला के ये जानवर बनाया था और वो बात भी कर सकता था। एडवर्ड भी इस म्यूटेटेड जानवर को देख के खुश होता है और उसके पास आता है। तो वो जानवर एडवर्ड को देख के उसे पूछता कि क्या तुम मुझसे खेलोगे। ये सुनके एडवर्ड समझ जाता है कि ये म्यूटेशन उसने 2 जानवरों का मिला के नहीं, बल्कि नीना, उसकी छोटी बेटी और उसके पेट डॉग का म्यूटेशन किया है। ये जानने के बाद एडवर्ड काफी गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। 2 साल पहले भी उसने जो म्यूटेटेड जानवर बनाया था वो दरअसल उसके पत्नी को म्यूटेट करके बनाया था, यानी ये अपने पूरे फैमिली की बलि दे रहा था। एडवर्ड उसे काफी मारने लगता है, लेकिन टकर उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, तुमने अपनी माँ को लाने के लिए एक गलत काम किया था और मैं भी साइंस को आगे लेके जाने के लिए नई डिस्कवरी कर रहा हूँ। अब ये सुनके एडवर्ड को और भी गुस्सा आता है और उसे स्टेट मिलिट्री के हवाले करता है। एडवर्ड काफी उदास मन से बैठा हुआ था कि और वो एक छोटी बच्ची को भी बचा नहीं पाया, और उसी मन से वो पारस पत्थर की तलाश जारी रखता है और डॉक्टर टीम ने बताए हुए लैब नंबर 5 को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन अल्फांस काफी गुस्सा हुआ था ये सब कुछ देख के, और उसे सच में लगने लगा था कि ये उसका भाई नहीं है और ये सब कुछ एक झूठ है। इसके कारण दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वाइनरी अल्फांस को याद दिलाती है कि तीनों भी कैसे बचपन में खेला करते थे और एडवर्ड को बस तुम्हें वापस लाना है, इसके अलावा और वो कुछ सोच भी नहीं रहा है। अब ये जानने के बाद अल्फांस उससे माफी मांगता है। आगे एडवर्ड खुद को लाइब्रेरी में लॉक करता है और डॉक्टर टीम ने दिए हुए वो नोट्स एंड सर्कल के बारे में वो चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट में लैब नंबर 5 की कोई जानकारी नहीं मिलती।
इसीलिए जनरल ह्यू उसकी मदद करने के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद वो लैब नंबर 5 का सच ढूंढ निकालते हैं। ये कोई लैब नहीं थी बल्कि ये एक जेल था और शायद वहाँ पे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते थे। वहाँ पे चकी का लोकेशन वो एडवर्ड को बताने के लिए जा ही रहा, लेकिन तभी वहाँ पे एनवी आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल ह्यू उसे जख्मी करके वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वो फोन बूथ पे रहता है तब वहाँ पे कर्नल मस्टैंग आ जाते हैं और वो उसे फाइनली मार देता है। अब कैप्टन ह्यू के मर्डर के कारण एडवर्ड को भी गिरफ्तार किया जाता है इंट्रोगेशन के लिए और उसे ल्यूटनेंट हॉकी के साथ उसी रूम में रखा जाता है। हॉकी एडवर्ड को बताती है कि कर्नल मस्टैंग ने ह्यू को मार डाला है और मस्टैंग ने टकर को भी जेल से छुड़ा दिया है। ये सुनकर एडवर्ड काफी गुस्सा होने लगा और वो आगे लैब की सच्चाई भी उसे बताती है कि ये कोई लैब नहीं थी लेकिन एक पुरानी जेल है और वहाँ पे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते थे। दोनों भी वहाँ से गार्ड को मारते हुए भाग निकलते हैं। तो दूसरे जगह पे मस्टैंग को पकड़ने के लिए ऑलरेडी मिलिट्री वाले आ गए थे और उसे बंदूक के नोक पे वो पकड़ते हैं, लेकिन मस्टैंग समझ जाता है जो उसे पकड़ने के लिए आई है वो ल्यूटनेंट उसके टीम में से नहीं है, उसकी बहरूपिया है। इसीलिए वो उस पे वार करके उसे जलाने की कोशिश करता है और आखिरी में पता लगता है वो ल्यूटनेंट नहीं बल्कि एनवी थी। एनवी बाकी हमैंकल्स को भी बुलाती है। तब तक वहाँ पे एडवर्ड और हॉकी भी आ जाते हैं और तभी एनवी कन्फ्रंट करती है कि कर्नल ह्यू को मस्टैंग ने नहीं मारा है बल्कि उसी ने मस्टैंग का रूप लेके उनको मारा था। यहाँ पे हमैंकल्स को आर्मी के मेन लोगों को मार डालना था। तभी हॉकी उससे पूछती है कि तुम सबको मार डाल रही हो, तुमने टकर को भी आजाद किया है, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। अब टकर को इन तीनों में से किसी ने आजाद नहीं किया था, उसे आजाद करने वाला कोई और ही आर्मी का आदमी था। तो एनवी टकर को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। तो लस्ट ग्लूटनी को बाकी के मिलिट्री के लोगों को खाने का ऑर्डर देती है और वो अपने असली राक्षसी रूप में आता है और इन लोगों को खाने जाता है। यहाँ पे मस्टैंग लस्ट के ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन लस्ट उसे मारती है और फिर खुद लैब नंबर 5 जाने के लिए निकलती है। एडवर्ड इन तीन हमैंकुलस के पीछे लगता है और वो लैब 5 में पहुंच जाता है जहाँ पे टकर ने अल्फांस और विनरी को बंदी बनाए रखा था। और यहाँ पे हमें लैब 5 की सच्चाई पता चलती है। वो बताता है कि ये दरअसल लैब नहीं एक जेल था और यहाँ पे पारस पत्थर बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर टीम और वो खुद भी शामिल था। उसके पास भी एक पारस पत्थर था और वो बताता है कि एक पत्थर बनाने के लिए करोड़ों लोगों की आत्मा की बलि देनी पड़ती है। इस जेल में सारे कैदियों को लाया जाता था और उनकी आत्मा की बलि देने के बाद इतने सारे पारस पत्थर बने हैं। अब पारस पत्थर का सच जानने के बाद एडवर्ड काफी परेशान होता है कि उसे लग रहा था पारस पत्थर एक काफी पवित्र चीज है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाखों करोड़ों लोगों के बलि देने के बाद एक पत्थर बना है और इन सारे लोगों की आत्मा उस पत्थर में कैद है। टकर आगे का प्लान रिवील करने ही वाला था लेकिन लस्ट वहाँ पे आके उसे मार देती है और तभी वहाँ पे पता चलता है इस रिसर्च के पीछे और कोई नहीं बल्कि जनरल हाकुरो थे। वो हमैंकुलस से मिलके एक ऐसी आर्मी बनाना चाहते थे जिससे वो कभी जंग हार ही नहीं सकते और जिन भी लोगों की आत्मा उन्होंने कैद करके पारस पत्थर बनाया था उनकी सारी लाशें उन्हें ऊपर कैद करके रखा हुआ था ताकि उनकी वो आर्मी बना सके। देखते देखते जनरल उन सारे लाशों में पारस पत्थर डाल देते हैं जिसके कारण ये लाशें काफी अजीब से स्ट्रक्चर में बदलने लगती है, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी जनरल उन्हें आजाद करता है और वो ज़ॉम्बीज जनरल को ही सबसे पहले मार गिराते हैं और इस लैब से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ अब आसपास के लोगों को खतरा था। तब तक वहाँ पे कैप्टन मस्टैंग आ जाते हैं और अपने पूरे सेना को पोजीशन लेने के लिए कहते हैं ताकि वो इन ज़ॉम्बीज को मार सके। सेना तैयार होती है और वो उनके सर पे वार करने के लिए कहते हैं। अब कुछ ही समय के बाद इनकी सारी सेना इन ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। तो यहाँ पे कैप्टन मस्टैंग और एडवर्ड लस्ट और एनवी जो भाग रहे थे उनको मारने के लिए जाते हैं। मस्टैंग यहाँ पे एनवी को बर्न करता है। तभी लस्ट रिवील करती है कि हमें जब बनाया गया था तभी हमारे अंदर भी पारस पत्थर डाला गया था, इसीलिए तुम जितने बार भी हमें मारो हम वापस जिंदा होंगे। लेकिन तभी एडवर्ड एक चीज नोटिस करता और मस्टैंग को बताता है कि पारस पत्थर उनको उतना ही जीवन दे सकता है जितने पारस पत्थर में आत्मा कैद है। तुमने जब एनवी को जलाया था तब उसे रिकवर होने में काफी वक्त लगा था, यानी उसके पारस पत्थर में अब ज्यादा जीवन बचा नहीं है, इसीलिए उन्हें रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा है। अगर तुम उनपे बार बार वार करोगे तो उनके अंदर का सारा जीवन मिट जाएगा और वो मारे जाएंगे। अब इसीलिए कैप्टन मस्टैंग बाहर आते हैं, लस्ट और एनवी के ऊपर बार बार आग से वार करते हैं और उसे जलाने लगते हैं जिसके कारण वो कमजोर पड़ने लगती है और पूरी तरीके से टूटने लगती है। आखिरी में वो उसके शरीर का पारस पत्थर निकाल लेते हैं और वो एडवर्ड को देते हैं ताकि वो उसके भाई को बचा सके। अब एडवर्ड वापस उस राल में चला जाता है गेट ऑफ ट्रूथ के। यहाँ पे वहाँ जाते ही उसे अपने भाई का शरीर दिखाई देता है जिसके
उसके बाल काफी बड़े थे। वो पत्थर उस देवता को वो देने ही वाला था, लेकिन वो रुकता है क्योंकि अपने भाई के सिर्फ एक शरीर के बदले में वो करोड़ों लोगों की आत्मा का बलिदान कैसे दे सकता है। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि अपने भाई के लिए मैं बाकी लोगों को नहीं मार सकता, इसलिए भाई के शरीर से वो माफी मांगता है। उसे कहता है मैं वापस लौट आऊंगा, और पारस पत्थर लेके वापस अपने दुनिया में लौट आता है। बाहर आते ही अल्फांस उसे पूछता है क्या हुआ, कहाँ है मेरा शरीर। वो अल्फांस से माफी मांगता है कि मैं चाहकर भी इतने लोगों की बलि नहीं दे सकता, मुझे माफ करो, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। अल्फांस भी मान जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।